गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे नॉन नेगेटिव फंक्शंस के बारे में। नॉन नेगेटिव फंक्शंस, नॉन नेगेटिव फंक्शंस, नॉन नेगेटिव फंक्शंस। अब ग्राफ देखिए, आप बिल्कुल आसानी से पहचानेंगे नॉन नेगेटिव फंक्शंस का ग्राफ है, यानी ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी एक ऐसा फंक्शंस जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन क्या हो, जीरो। अ फंक्शन हैज इट्स वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और क्या लगा सकते, इक्वल टू भी लगा सकते, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी ग्राफ को क्या करो, इस तरह से बना लो, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी ग्राफ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग उसे कहते हैं नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब क्या है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये रहा नॉन नेगेटिव फंक्शन ए, नॉन नेगेटिव फंक्शन बी, नॉन नेगेटिव फंक्शन सी, इन सब का सम किसके बराबर आता है, जीरो। द सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शन इज जीरो इफ द सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शन इज जीरो, देन हम लोग क्या करेंगे, टेक ईच टर्म इक्वल टू जीरो, देन टेक ईच टर्म इक्वल टू जीरो सेपरेटली। यानी ये रहा ए बी सी सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शन इक्वल टू जीरो, हमें क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो एंड c इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना। ये रहा सिंपल सा। अब कुछ एग्जांपल है नॉन नेगेटिव फंक्शंस के, नॉन नेगेटिव फंक्शन के कुछ एग्जांपल कौन कौन से हो सकता है, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सबके सब एग्जाम्पल हो गया नॉन नेगेटिव फंक्शन के। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको, एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब ये तो स्टूडेंट्स होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दैट इज ये स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन कैसा होता है, नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब इन सब का सम क्या है, जीरो। तो हम लोग सेपरेटली एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू। अब इन दोनों तरफ रिजल्ट को सेटिस्फाइड करें, ये रिजल्ट कॉमन है, कॉमन रिजल्ट को चेक कीजिए, कॉमन रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर हो गया x इक्वल टू माइनस वन, ये फाइनल आंसर। ओनली कॉमन रिजल्ट आर टू बी एक्सेप्टेबल, ओनली कॉमन रिजल्ट आर टू बी एक्सेप्टेबल, केवल कॉमन रिजल्ट ही एक्सेप्टेबल होगा। ओके, ये रहा इस प्रश्न के सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स एक प्रश्न और लेते हैं।
एक प्रश्न हम लोग और लेंगे। प्रश्न क्या है, सोल्व mod x plus 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। सेपरेटली हम लोग जीरो करेंगे, मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। अब ये मॉड इक्वल टू 0, मॉड इक्वल टू क्या है, देखे 0, मॉड इक्वल टू 0, मॉड इक्वल टू 0। अब जैसे स्टूडेंट से यहां से हटाइएगा मॉड 0, इसका मतलब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब ये दोनों रिजल्ट कॉमन नहीं है, नो कॉमन रिजल्ट। जब कोई भी रिजल्ट कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू नो सॉल्यूशन दैट इज फाइव। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे देखे, x square minus 1 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 0। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो सेपरेटली जीरो कर लीजिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मॉड के साथ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे रूट को हटाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 1 एंड 2। यहां से स्टूडेंट्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। आप इसे सॉल्व कीजिए, यहां से स्टूडेंट्स मॉड हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू मिलेगा 1 एंड माइनस 1। अब कॉमन रिजल्ट क्या है, ये रहा कॉमन रिजल्ट। एक्स इक्वल टू कितना, 1। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे इस प्रश्न का आंसर, ये रहा हमारे इस प्रश्न का आंसर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था, नॉन नेगेटिव फंक्शंस के बारे में। एक ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मींस कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर सेवरल अलजेब्रिक फंक्शन, सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शन का सम अगर 0 है तो हम लोग सेपरेटली सारे फंक्शन को इक्वल टू 0 करेंगे एंड वहां से x के कॉमन रिजल्ट को निकालेंगे और वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई भी रिजल्ट कॉमन नहीं आता है तो हम लोग लिखते हैं नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।